फ्रेंड माई सेल्फ एम के सिंह यू आर वॉचिंग एम के एस अकेडमी। एम के एस अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग कुछ क्वेश्चन को डील करने वाले हैं। चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टैंडर्ड 12 का एक्सरसाइज का 13.3 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। क्वेश्चन में क्या है कि कुछ कंपाउंड के नेम गिवन है और उस नेम से हमें क्या करना है, उसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से डील करते हैं, इसी चीज पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहला बात करते हैं 13.3 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो कहता है 3-methylbutanol। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 3-methylbutanol। ऐसे क्वेश्चन को डील करने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, किसमें से रूट वर्ड को चूज कर लीजिए। यहाँ पे रूट वर्ड जो है ब्यूट है और यह ब्यूट किसको रिप्रेजेंट करता है, कार्बन एटम को। और कितना नंबर ऑफ कार्बन एटम को, तो 4 कार्बन एटम को। तो 4 कार्बन एटम मैंने लिख दिया और यहां पर देखिए ए एन लिखा हुआ है। एन एन रिप्रेजेंट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। यहां क्या होगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा। और ए एल रिप्रेजेंट करता है क्या से, एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप को। आप देखिए ध्यान से, आपका जो एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है CHO, इसमें कार्बन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होता है और कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होता है। तो उसके कार्बन को हम लोग चयन में क्या करते हैं, हमेशा कंसिडर करते हैं। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस कार्बन को बना देते हैं CHO, एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप। अब इसको हम फर्स्ट पोजिशन देंगे, इससे थर्ड पोजिशन पर हमको आना है और क्या डालना है, मिथाइल। तो 1, 2, 3 पे क्या लिख दिए हम लोग, मिथाइल लिख दिए। अब जितने भी कार्बन बच गए उसका यदि वैलेंसी नहीं पूरा है तो हम लोग क्या करेंगे, उसके वैलेंसी को सेटिस्फाइड करेंगे किसके द्वारा, हाइड्रोजन एटम के द्वारा। यहाँ पर देखिए एक बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन एटम लगा दीजिए। यहाँ पर 1, 2, 3 है, एक बॉन्ड खाली है इसका तो 1 हाइड्रोजन एटम दे दीजिए। यहाँ पर कितना, 2 बॉन्ड खाली है तो 2 हाइड्रोजन एटम दे दीजिए। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ 3-methylbutanol। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन कहता है पारा नाइट्रो प्रोपायोफिनॉल। ऐसा थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्टी वाली है क्योंकि ऐसा जो नाम है एक कुछ कॉमन नाम पे बेस्ट है, ठीक है। तो कॉमन नेम पे जब बेस्ट होगा तो उसको थोड़ा सा आप लोग ना ध्यान से उसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ कीजिएगा। सबसे पहले आप क्या कर लो, प्रोपायोफिनॉल का स्ट्रक्चर खींच लो। प्रोपायोफिनॉल किसको बोलेंगे हम लोग, देखिए ध्यान से। एक तो मेरे पास क्या होगा, बेंजीन रिंग होगा और इससे जुड़ा होगा क्या चीज, कीटोन ग्रुप। और प्रोपायो मतलब 3 कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH2CH3 इतना स्ट्रक्चर हो गया आपका किसका, प्रोपायोफिनॉल का स्ट्रक्चर हो गया। आप पारा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप को लगाया हुआ है तो इसको यदि मैं फर्स्ट पोजीशन दे दू तो यहां से क्या होगा, 1, 2, 3, 4 इसका 4 पोजीशन, 1, 2, 3, 4 इसके 4 पोजीशन को हम लोग कौन सा पोजीशन बोलते हैं, पारा पोजीशन बोला करते हैं बाबू मेरे। तो यहां से हम क्या लिख देंगे, NO2 ग्रुप को अटैच कर देंगे तो यह हो गया पारा नाइट्रो प्रोपायोफिनॉल का स्ट्रक्चर। अब आइए थर्ड पे हम लोग बात कर लेते हैं। थर्ड क्या कहता है, पारा मिथाइल बेंजल्डिहाइड। थर्ड नंबर क्वेश्चन, तो एट फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ अ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजल्डिहाइड, देन एट पारा पोजीशन वी हैव टू टेक इन मिथाइल ग्रुप। क्लियर ना। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग एक बेंजीन रिंग बनाएंगे और कहीं पे भी CHO ग्रुप को लगा देंगे। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजल्डिहाइड एंड देन एट पारा पोजिशन मिथाइल ग्रुप आर प्रेजेंट।
1, 2, 3, 4 फोर्थ पोजिशन को हम लोग पारा क्वेश्चन बोलते हैं, 1, 4 पोजिशन को पारा क्वेश्चन बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सी एस थ्री ग्रुप को अटैच कर देंगे। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पारा मिथाइल बेंजाल्डिहाइड। क्लियर। नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन, फोर्थ नंबर क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। फोर्थ नंबर कहता है फोर मिथाइल पेंट 3N2ONA। फोर्थ नंबर में है फोर मिथाइल पेंट 3N2ONE। देखिए सबसे पहले आपको इन सारे टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए और बाकी तो क्वेश्चन आपके दाएं हाथ का खेल है, एकदम आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। तो देखो यहां पर पेंट बोले तो कितना, 5 कार्बन। पेंट बोले तो 5 कार्बन, सॉरी 5 कार्बन मैंने लिख दिया। अब देखिए ध्यान से क्या कह रहा है कि यहां पे 3N ENE रिप्रेजेंट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ONE रिप्रेजेंट द कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप। तो आप बताइए डबल बॉन्ड और कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको दिया जाता है, फंक्शनल ग्रुप को दिया जाता है। तो हम लोग सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन को फिक्स कर लेते हैं और फिर वहीं से बाकी के पोजीशन को डिसाइड करेंगे हम लोग। ठीक है, तो कितना नंबर पे बोल रहा है, 2 नंबर पे बोल रहा है। तो यहां पे क्या करो, कीटोन का एक ग्रुप बना, ठीक है, 2 नंबर पे बन गया। अब क्या कर रहा है, 3 पे। तो यदि मैं इधर से काउंट किया तो 1, 2, तो 3 पे क्या है मेरे पास, EN, मतलब कि डबल बॉन्ड है। ठीक है, अब बाकी सब जगह आप क्या कर देना, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जोड़ देना। ठीक है, अब यहां से क्या कर लीजिए, यहां पे CH3 ग्रुप को लगा दीजिए। यहां पे देखो एक कार्बन का वैलेंसी कम है, H लगा देते हैं। अब यहां से एक बात क्या है, फोर्थ पोजिशन पे मेरे पास क्या है, मिथाइल ग्रुप है। तो 1, 2, 3, 4, तो फोर्थ पे कौन सा ग्रुप लगा देंगे, मिथाइल ग्रुप। तो इस कार्बन का वैलेंसी 1, 2, 3, 4 हो गया। अब मेरे पास एक कार्बन बच गया, इसका वैलेंसी 1, 3 खाली है, तो 3 हाइड्रोजन लगा देंगे। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फोर्थ मिथाइल पेंट 3N2ONE। क्लियर। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, क्या कहता है, 4-chloro-pentane-2-1। Pentane-2-1, तो पेंट मतलब 5 कार्बन, Pentane-2-1, 2 पे ONE मतलब कि कीटोन ग्रुप है। तो कहीं पे भी आप इधर से चाहे इधर से 2 नंबर पे क्या कर दो, इसको डाल दो। और AN है, इसका मतलब ईच एंड एवरी कार्बन इज अटैच्ड विद सिंगल बॉन्ड, यानी कि प्रत्येक कार्बन एक दूसरे के साथ किस बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहेगा, सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहेगा। तो सिंगल बॉन्ड दे देते हैं। अब बच गया मेरे पास क्या चीज, 3 पे ब्रोमो है, क्या है, सॉरी 4 पे क्लोरो है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर में 4 पे क्या है, क्लोरो है। तो 1, 2, 3, 4 पे क्लोरो डाल दिया मैंने। अब देखो यहाँ पे इस कार्बन का वैलेंसी पूरा कर दो हाइड्रोजन के द्वारा, इसका तो पूरा है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन डाल दो, यहाँ पर क्या करो 1 हाइड्रोजन को डाल दो और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन को। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ 4-chloro-pentane-2-1। ये किसका स्ट्रक्चर है, 4-chloro-pentane-2-ONE का स्ट्रक्चर है। अब आते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर क्या कहता है, 3-bromo-4-phenyl-pentanoic acid। तो सबसे पहले आप क्या कर लो, पेंटेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर लिख लो। C-C-C-C-C-C-O-H 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन। ये भी आपका क्या है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। क्या है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। तो इसको तो फर्स्ट पोजीशन देंगे हम लोग। अब यहां से चलो, यहां से थर्ड पोजीशन पर मेरे पास क्या है, ब्रोमो है।
थर्ड पोजीशन पर मेरे पास क्या है, ब्रोमो है, तो 1, 2, 3 पे क्या डाल देंगे, ब्रोमो को डाल दिए, ब्रोमीन को डाल दिए। अब उसके बाद क्या है, 4 पे क्या है मेरे पास, फिनाइल ग्रुप है, तो 1, 2, 3, 4 पे, तो 4 पे पीएच लिख दो या आप ऐसे बना दो, ऐसे यह बन जाएगा आपका। और बाकी को क्या कर दो, हाइड्रोजन के द्वारा कार्बन के वैलेंसी को पूरा कर देते हैं, H H यहां पे CH2। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ 3-bromo-4-phenyl-pentanoic एसिड, क्लियर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कितना नंबर पे, 7 नंबर पे। 7 नंबर क्या बोल रहा है, P डैश मतलब पारा डैश पोजिशन, डाइहाइड्रोक्सी बेंजोफिनॉल। तो सबसे पहले आपको बेंजोफिनॉल का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ठीक है। तो बेंजोफिनॉल का स्ट्रक्चर आप कैसे लिखेगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है बेंजोफिनॉल का, डबल बॉन्ड, ऐसा ए बेंजोफिनॉल हो गया, दो बेंजीन रिंग और उससे क्या जुड़ा होना चाहिए, कीटोनिक ग्रुप जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब क्या कर रहा है, पारा डाइहाइड्रोक्सी, मतलब कि देखो 1, 2, 3, 4 यहां पर एक हाइड्रोक्सी है और फिर 1, 2, 3, 4 यहां पर एक क्या है मेरे पास, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो इसको आप लोग देख लीजिए, ठीक है। ये हो गया आपका पाराडेस डाइहाइड्रोक्सी बेंजोफिनॉल का स्ट्रक्चर। अब हम लोगों के पास लास्ट क्वेश्चन बच गया, ये देखते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन को। चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, Hex 2A 4YNOic एसिड, 8 नंबर है, Hex 2A 4YNOic एसिड, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे डील करेंगे, देखिए ध्यान से, मेरे पास क्या है, हेक्स है, क्या जी, हेक्स है, हेक्स के लिए कितना कार्बन लिखते हैं हम लोग, 6 कार्बन लिखा करते हैं, 6 कार्बन मैंने लिख दिया। और देखो यहां पे OIC एसिड है, ओइक एसिड किसका सफिक्स है, कार्बोक्सिलिक एसिड का, मतलब कि एक तो कार्बन किसका होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप का होगा। अब देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है, 2-ene, तो 1-2 पे ENE डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है, तो डबल बॉन्ड हो गया। और उसके बाद 4 पोजीशन पे, तो 1-2-3-4 पे क्या है मेरे पास, YN, और YNE रिप्रेजेंट करता है ट्रिपल बॉन्ड को, तो यहां से मैंने ट्रिपल बॉन्ड डाल दिया। अब देखिए इसके पास एक हाइड्रोजन दे दो, यहां पर तो पूरा हो गया, यहां पर देखिए एक हाइड्रोजन की कमी है और यहां पे भी एक हाइड्रोजन की कमी है, तो यहां दे देंगे हम लोग, ठीक है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हेक्स 2A 4YNOic एसिड। तो सो इस तरीके से हम लोगों का 13.3 जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन था वो 100% सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। इसको आप लोग एक बार रिवाइज करें बढ़िया तरीके से, इसका नोट्स बना ले, क्योंकि एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन के जरिए हम लोग बहुत सारे चीजों को इसमें देख रहे हैं कि यार मेरा तो सबसे पहले कंपाउंड का नाम दिया हुआ है, इससे हम ये पहचान पा रहे हैं कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड कहां पर आएगा, ट्रिपल बॉन्ड कहां पर आएगा, कैसे किस सब्स्टिट्यूएंट्स को हम लोग किस पोजीशन पे डालेंगे, इन सारे चीजों का डिस्कशन हमने बेहतरीन तरीका से कर लिया है। तो चलिए इतना तक आज के वीडियो सेशन में हम रखते हैं, फिर इसके बाद हम आपको लेकर आएंगे प्रिपरेशन ऑफ
एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। थैंक्स।